सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह जिले में भाकपा माले ने अपना 52वीं वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान कोविड नियमों का अनुपालन भी किया। कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मद्देनजर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन अमूमन सभी पार्टी कार्यालय के अलावे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में रहकर ही पार्टी के स्थापना दिवस मनाते हुए शहीद तथा दिवंगत साथियों को याद किया। केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी पीड़ित जनता की सेवा तथा लोकतंत्र व न्याय के लिए जन आंदोलन मजबूत करने का इस दौरान संकल्प भी लिया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश भर में कोविड की आपदा रोकने में न सिर्फ पूरी तरह विफल है, बल्कि इस दौरान उसने बड़े ही आक्रामक तरीके से देश की चुनिंदा कारपोरेट कंपनियों को स्थापित और मजबूत करने का काम किया है, जबकि दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार मजदूर किसानों सहित आम जनता के अधिकारों की कटौती करने में भी लगी है। सरकार ने बिल्कुल ही बेशरम तरीके से किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून लाकर उनकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की है। केंद्र सरकार के इस तरह की जन विरोधी नीतियों के विरोध की हर आवाज को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देश में लोकतंत्र तथा न्याय पूरी तरह से खतरे में पड़ चुकी है। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। आज 22 अप्रैल विश्व सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड लेनिन का जन्मदिन और हमारी पार्टी भाकपा माले का 52वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर पूरे देश में पार्टी की ओर से स्थापना दिवस मनाते हुए मौजूदा परिस्थिति में देश में जो कोविड महामारी के दौर में लोग परेशान हैं, तो पीड़ित जनता की हर तरह से मदद करने और कोविड के आड़ में सरकार जो गलत नीतियां देश पर थोप रही है और लोकतंत्र और यहां न्याय के अधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ आंदोलन मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। गिरिडीह जिले में भी आज स्थापना दिवस के अवसर पर कोविड के सभी मापदंडों को पूरा करते हुए कहीं भी भीड़ भाड़ करने के बजाय कम से कम संख्या में या ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने घरों में रह करके पार्टी स्थापना दिवस को मनाने का काम किया है। और इस अवसर पर जो पार्टी के केंद्रीय कमेटी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया उस संकल्प को पढ़ा गया है और उसे पूरा करने का संकल्प लिया गया है। आज भाकपा माले का 52वां स्थापना दिवस है और आज के दिन ही हम लोग पूरे गिरिडीह ज़िले में भाकपा माले का स्थापना दिवस को मना रहे हैं। गिरिडीह विधानसभा में भी श्रीरामपुर हरिचक और गिरिडीह शहर में होटी बाज़ार के पास से मनाया गया। ये संदेश दिया गया कि इस कोरोना काल में जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो किसान हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार रोजगार ऐसा कुछ व्यवस्था करवाए ताकि वो अगर घर में हैं, यदि नहीं कमा पा रहे हैं, तो उनका माने घर कैसे चले इस पर विचार करें। और बड़ी विडम्बना है कि कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, जब भी लॉकडाउन करते हैं तो इन लोगों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और सिर्फ बातें करते हैं। हम समझते हैं कि बात भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ ये रोज कमाने वाले, रोज कमा के खाने वाले लोगों के लिए भी आपको चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार आप है और सारी व्यवस्था आपको करनी है। साथ ही साथ तमाम लोग जो हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, भाकपा माले की तरफ से हम अनुरोध करते हैं कि इस कोरोना काल में आप सजग रहें और दूरी मेंटेन करें, क्योंकि जो सामाजिक दूरी है अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ता चला जाएगा। हम तमाम लोगों को, तमाम श्रोताओं को भाकपा माले की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक पालन किया है। लेकिन जिस प्रकार से गिरिडीह में बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। हम धन्यवाद देते हैं गिरिडीह प्रशासन को भी कि बहुत सचेत रूप से, बहुत ही जागरूकता एक तरह से फैला है। लेकिन जो आम जो हैं लोग, जो उनको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा।
साथ ही साथ जो प्रतिनिधि हैं, जो चाहे वो वार्ड के प्रतिनिधि हो, चाहे वो विधानसभा के प्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एमपी हो यहाँ के, वो भी एक ऐसा जागरूकता का ये फैलाए ताकि आम जनों तक ये जागरूकता का मैसेज पहुँचे और बेहतर तरीके से। जहाँ तक हम पत्रकार बंधु हैं, चाहे हर एक क्षेत्र में जो काम हो रहा है, देख रहे हैं कि कोरोना के कारण जिनकी मौत हो जा रही है, उनमें थोड़ी माने एक तरह से असामाजिक बात कहेंगे कि वो दूरी मेंटेन करते हैं, अपने लोग भी दूरी मेंटेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आप मदद कर सकते हैं, उसको जरूर मदद करें। स्थापना दिवस में, भाकपा माले के स्थापना दिवस में हम यही संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।